ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। और अब थोड़ा माइंड लगाओ, टी किसे माने, देखो थोड़ा सा माइंड लगाओ कि अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लू। अब आप कहोगे साइन स्क्वायर एक्स को इसमें दिए ही नहीं है, फिर कैसे सोच लिया? अब मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन याद है, अगर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे पीआर के रूल से, तो पहले पावर का एक्स स्क्वायर का क्या होता है, टू एक्स माने टू साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करेंगे फंक्शन का कॉस एक्स डीएक्स। तो आपका काम बन गया कि नहीं बन गया, साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। तो यही मेन रूल है इंटीग्रेशन में टी मानने का, कि हम ऐसे फंक्शन को टी मानते हैं जिसका डेरिवेटिव डीएक्स के साथ दिया हो। टू को इधर ले आओ, आई इक्वल टू, अब इसे टी की फॉर्म में बनाते हैं। तो साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स की जगह क्या रखें हम, डी टी वाई टू, डी टी अपॉन टू, और ये वन प्लस ये टी स्क्वायर हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर को हमने, चलो यहां थोड़ा सा शो कर दो, टी इक्वल टू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4x। ओके, तो हमने साइन की पावर 4x को टी स्क्वायर लिख दिया। और इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, टेन इनवर्स टी प्लस सी, यहाँ साइड से आप लोग फॉर्मूला लिख देना टेन इनवर्स वाला, और आई इक्वल टू लास्ट में आके टी की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। बस ये ही इस सवाल का लॉग एक्स अपॉन एक्स डीएक्स। अब आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाना चाहिए, और भाई मेरा उद्देश्य यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान मिलती रहे, चेहरे खिलते रहे, बच्चों को कोरोना का डर ना हो, सेफ्टी रखें, उसके बचाव रखें, तो आप ये टेंशन में भी ना आए कि आपकी पढ़ाई नहीं चल रही। आपके विनोद सर आपके साथ हैं, आपकी पढ़ाई चलती रहेगी, रुकना नहीं है। चलिए अब इस सवाल को देख के आपको पता लग रहा है किसको टी माने। आप कहोगे सर आपने दो रूल बताए हैं कि अगर एंगल में कुछ और फंक्शन दिया है तो उसे टी मानना है, दूसरा हमें लॉग एक्स क्लियर दिख रहा है तो लॉग एक्स और इनवर्स फंक्शन उसे तो टी मानना ही है। तो टी इक्वल टू लॉग एक्स लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वन अपॉन एक्स डी एक्स, आई इक्वल टू एक स्टेप रिपीट कर दो, स्क्वायर से लिख दो सेट स्क्वायर लॉग एक्स और डी एक्स अपॉन एक्स, जिसे हमें टी की फॉर्म में लिखने में आसानी हो जाती है। तो ये बन गया सेक स्क्वायर टी और टी टी, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता हो गई है ना, याद कर लो भाई, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। सिंपल वे में याद करने का तरीका ये है, इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये इंटीग्रेंड आ जाएगा। चलिए तो ये हो गया टेन टी प्लस सी, बाद में फाइनली हम टी की वैल्यू रख देते हैं और ये हमारा आंसर हो जाता है। टी क्या था, लॉग एक्स प्लस सी, बस ये आंसर नंबर 27। इसको भी देख के पता चल रहा है, कुछ और सोचना ही नहीं है, लॉग एक्स को टी मानना है, बस लॉग एक्स को ही टी मानना है, वन अपॉन एक्स डी एक्स, और ये इस स्टेप को रिपीट करिए, हाँ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद डीएक्स के साथ जो हमने डिफरेंशिएशन निकाला है उसको रख दीजिए जरा। तो देखो डीएक्स अपॉन एक्स आ गया, ये पूरा फंक्शन हमने जैसा वैसा रिपीट कर दिया है। अब इसे टी की फॉर्म में बदल दीजिए, वन माइनस टी स्क्वायर, और ये आ गया डी टी। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, साइन इनवर्स टी। ओके,
क्योंकि साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन इतना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी होगा, साइन इनवर्स टी प्लस सी। हाँ, साइड से फॉर्मूला लिखना ना भूलिए, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने यूज किया है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, बाद में टी की वैल्यू रख दो, साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है लॉग एक्स प्लस सी आई इक्वल टू। सवाल नंबर 28, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपका रूल क्या कहता है कि हम टी एक्स ई की पावर एक्स को टी मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति फलन में यहाँ एक्स होना चाहिए था, उस एक्स की जगह इन्होंने दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे दिए, एलजेब्रिक और एक्सपोनेंट, माने बीजगणितीय और चरघातांकी फलन गुणनफल में दिए हैं, है ना, तो हमें इसको टी मानना ही पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ एंगल सिंपल फॉर्म में चाहिए। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, गुणन नियम लगाना पड़ेगा। गुणन नियम क्या है, पहला फलन जैसा का जैसा अवकलन करेंगे हम सेकंड का, फिर सेकंड फलन जैसा जैसा अवकलन करेंगे हम पहले वाले का, तो एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स और एक्स का वन, और किसके रेस्पेक्ट, तो डी टी अपॉन डी एक्स लिख दो या डी एक्स यहाँ लिख दो, ओके ई की बात। चलिए अब e की पावर x कॉमन कर लो, तो इसे पहले लिखो 1 प्लस e की पावर x, सॉरी 1 प्लस x और dx, ये आ गई dt की वैल्यू। ओके, रखिए i इक्वल टू, तो e की पावर x 1 प्लस x dx को लिखा हमने dt, और ये आ गया cos स्क्वायर t। अगर ये cos स्क्वायर t ऊपर होता तो हमें 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता, मगर ये ले जाके हम इसे sec स्क्वायर t लिख सकते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन के द्वारा, तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, मतलब हम जल्दी से जल्दी सवाल को उस फॉर्म में लाते हैं जिस फॉर्म में हमारे फॉर्मूले मौजूद है। ओके, बाद में बात t की वैल्यू रख दो, tan t की वैल्यू sec स्क्वायर, नो t की वैल्यू कितनी है x e की पावर x प्लस c, बस ये आ गया हमारा आंसर। सवाल नंबर 29, ये जो दिखाई दे रहा है उसमें आप लोग ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि e की पावर x वाला फंक्शन हो तो उसे तो t सपोज करना ही है, और t मानने से पहले हम dx के साथ e की पावर x दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो e की पावर x का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया करो, मतलब dx के साथ e की पावर x हमें चाहिए ही, जब e की पावर x को t मानेंगे, तो e की पावर x को t माना तो ये आ गया dt इक्वल टू e की पावर x dx, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी हमने ऐसे फलन को t माना है जिसका अवकलन dx के साथ दिया है, dx e की पावर x, तो e की पावर x dx किसके डेरिवेटिव से मिलेगा, e की पावर x से, ठीक है। हाँ, इस सवाल का थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर लो, उसको ऐसे e की पावर x dx और 1 प्लस e की पावर 2x को लिख सकता हूँ e की पावर x का स्क्वायर, पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की पावर x का होल स्क्वायर लिख दो या e की पावर 2x लिख दो, एक ही बात है। चलिए अब इसे t में बदलिए, तो dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला तो भैया आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, tan इनवर्स t, ओके tan इनवर्स t, हालांकि पेपर में अगर ये सवाल आएगा तो आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा साइड से, और लास्ट में टी की वैल्यू रिप्लेस करते ही आपका आंसर हो जाएगा, तो टी हमारा था ई की पावर एक्स प्लस सी, साइड से लिख देना, ओके, टी इक्वल टू हमने इतना। सवाल नंबर 30,
अपने रूल के अनुसार, समाकलन के नियमों के अनुसार हम टी किसे सपोज करेंगे, किसको टी मानेंगे, तो सीधी सी बात है एंगल में एक्स नहीं है, एंगल में रूट एक्स है, तो रूट एक्स को ही टी मानेंगे। और रूट एक्स का अवकलन आप लोगों को पता है टू रूट एक्स डी एक्स, और टू को इधर ले जाओ तो टू डी टी इक्वल टू वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स रख दीजिए टी की फॉर्म में, या एक स्टेप बढ़ा लो आप इसको ऐसे लिखो सवाल का सही तरीके से अरेंजमेंट करके रूट एक्स और डी एक्स अपॉन रूट एक्स, मतलब ये इक्वेशन टू की जो राइट हैंड साइड में दिया है उसको इधर ले आया करो, ठीक है। तो ये आ गया sec स्क्वायर टी, और इसकी वैल्यू रखेंगे टू डी टी, तो टू यहाँ ले आओ और डी टी यहाँ ले दो, ठीक है। sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t, फॉर्मूले धीरे धीरे याद करते जाओ भाई, आप फॉर्मूले लिख लिख के प्रैक्टिस में लाइए टू, और tan t, t की वैल्यू रख दो, t कितना माना था हमने रूट एक्स प्लस, बस ये फॉर्मूला हो गया, सॉरी ये आंसर हो गया। हाँ ये साइड से फॉर्मूला लिखना मत भूलिए किसी भी हालत में, फॉर्मूला यहाँ लिखिए मतलब यहाँ सूत्र लिखिए, और सूत्र लिखने के बाद यहाँ आपने जो टी सपोज किया था रूट एक्स ऐसे इंडिकेट करिए। सवाल नंबर 31 और इस एक्सरसाइज का लास्ट है, इस वीडियो के अभी लास्ट क्वेश्चन है, और अच्छा सवाल है, मतलब अच्छा सवाल का मतलब कठिन नहीं, अच्छा माने इसमें हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा किसको टी माने, मगर हमने आपको जो रूल बताया है उस नियम के अनुसार हम लॉग वाले फंक्शन को टी मानेंगे, है ना। तो किसको टी मानना है हमें, ये पूरा लॉग साइन एक्स है ना, लॉग एक्स प्रतिलोम फलन दिखाई दे तो उसको तो टी माननी है, तो लॉग साइन एक्स। हाँ अब इसका अवकलन ध्यान से समझो, लॉग इस लॉग साइन एक्स को लॉग साइन एक्स मत पढ़िए, इसको लॉग एक्स ही रीड करो, तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है वन अपॉन एक्स, मतलब लॉग क्या करता है अपने आगे के फंक्शन को वन के डिवाइड में पहुंचा देता है, तो वन अपॉन साइन एक्स, ये हो गया लॉग फंक्शन का। फिर साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स, फिर एक्स का करेंगे तो ये डी एक्स, तो ये बन गया कॉट एक्स डी एक्स। ओके अब देखो, अब सवाल को देखते ही पता लग रहा होगा कि बड़ा इजी सवाल निकला ये, तो इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिख दो, लॉग साइन एक्स और कॉट एक्स डी एक्स। देखो लिखने का तरीका क्या है, सेकेंड इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड में आया है वो dx के साथ लिख दीजिए, बाकी का पूरा फंक्शन लिख दीजिए, इससे आप इसको t में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे, तो log sin x सपोज किया था t और cot x dx हो गया dt, और इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और यहाँ साइड से हमने फॉर्मूला जो लिखा है वो x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, तो वन अपॉन टू, लास्ट में टी की वैल्यू रखो, टी हमने सपोज किया था लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, और लास्ट में भाई आप ये भी मत भूलना कभी कि हमने टी रखा है तो टी लिख दो, टी की जगह हमने लॉग साइन एक्स रिप्लेस किया है लास्ट में, ये आपका आंसर हो गया फिनिश।